अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और एमटीएस का फॉर्म फिलअप किए हैं ना, तो इससे अच्छा मौका एग्जाम निकालने का आपके पास कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ने में कितना भी कमजोर हो कोई मायने नहीं रहता इस बार, क्योंकि एसएससी वालों ने क्या किया है ना, इस बार एमटीएस के लिए पढ़ने में जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत कमजोर हैं, दोनों को ना इस बार बराबर में लाकर खड़ा कर दिया है। तो तैयारी से पहले आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा कि इस बार पैटर्न क्या है। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पढ़ने वाला बच्चा और कमजोर बच्चा भी जो है जो बराबरी में खड़ा है। सुनना पहले बात, पहले पैटर्न समझाऊंगा, फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि एकदम सटीक तरीके से आपको उसी पर काम करना है। लेकिन ये जो दो महीना आपके पास समय है ना, इसमें मेहनत में आपका कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो बार बार, अब तो टाइम पर एग्जाम हो रहा है सब कुछ, तो दो महीना ना दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ कर ना, अगर रात दिन एक अगर पढ़ाई भी कर दोगे ना बाबू, जिंदगी बन जाएगा आपका, नहीं आपके साथ साथ आपके परिवार का भी, और उन सब लोगों को जवाब दे पाओगे जो आपको बोलते हैं कि पढ़ने में कमजोर है। बाबू इस बार पैटर्न पूरा चेंज है। पहले सुनना, आप सभी को पता है जो एग्जाम होगा वो दो सेक्शन में बांट दिया गया है, पहला मैथ और रीजनिंग। अक्सर क्या होता था ना, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है, मैथ में पूरा का पूरा नंबर लाया, रिजल्ट बन गया। लेकिन आपने देखा होगा, ये सही मायने बता रहा हूं, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल हकीकत बता रहा हूं, 90% बच्चे जो है ना जो रिजल्ट निकालते हैं उनका जीके में अच्छा स्कोर नहीं होता है, उनका मैथ में पूरा का पूरा नंबर, रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर। लेकिन इस बार आप मैथ में पूरा का पूरा नंबर लाओ, रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर लाओ, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मैथ में पूरा का पूरा नंबर भी लाएंगे ना तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उससे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, एसएससी ने बोला है, क्योंकि एसएससी भी कहीं ना कहीं देख चुका है कि मैथ वही घिसा पीटा, 5 साल 10 साल से वही पूछ रहे हैं, बच्चा रट्टा मार लिया, फॉर्मूला मैथ प्रीवियस ईयर सब पढ़ लिया है, तो मैथ पर रिजल्ट कैसे बन सकता है। तो इस बार सिर्फ आपको मैथ क्वालिफाई करना है, मैथ रीजनिंग वो क्वालिफाई कर लिए तो, और क्वालिफाई कैसे करना है आगे बताएंगे, ध्यान से सुनना, ज्यादा बोझ लेकर नहीं पढ़ना है, एकदम स्मार्ट तरीके से आपको जो काम करना है ना ये दो सेक्शन में, क्योंकि यही दो सेक्शन जो है आपका रिजल्ट तय करेगा। अब ये जो जीके है ना, ये पढ़ने वाले बच्चों का भी कमजोर है और कमजोर बच्चों का भी कमजोर है, और यहां पर दिमाग का खेल नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हो। तो बाबू अगर आप पढ़ने में कमजोर है तो पढ़ तो आप भी सकते हो, ये भी नहीं बोल सकते भैया मैथ समझ में नहीं आ रहा है, बाबू जीके है आपको भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, 24 घंटा आपके पास भी, 24 घंटा उनके पास भी, सबके पास बराबर है इस बार। तो मौका यह है कि कौन कितना मेहनत करता है। अब यहां पर दिमाग का खेल बहुत का खेला ही खत्म हो चुका है। सुनना पहले मेरा बात, आप सभी को पूरा नोटिफिकेशन कल बताए थे ना, कुछ नहीं है, पहला सेक्शन जो है वो सिर्फ आपको पास करना है, दूसरे सेक्शन में ना हर क्वेश्चन गलत पर एक नंबर जो है वो काटा जाएगा, और जो मेरिट बनेगा, जो रिजल्ट डिसाइड होगा, द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेक्शन टू, यानी दूसरे सेक्शन डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं मैथ को, रीजनिंग को लेकर, इसको भैया स्मार्ट तरीके से क्वालिफाई कैसे करना है, इसको कैसे पास कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो मैथ में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बाबू गिना चुना चैप्टर पढ़ लीजिए, गिना चुना चैप्टर आपको सिर्फ पास करना है। मैं ना चैप्टर बोर्ड पे जो लिखा हूं ना, ये कमजोर बच्चों को भी समझ में आता है। 3 फरवरी कल है, कल से ना 30 मार्च तक, कब तक, 30 मार्च तक ना आपको हम लगातार मैथ का क्लास देंगे, शाम को 6 बजे। आप सिर्फ यही क्लास देख लीजिएगा ना, आप बोलेंगे भैया पहला सेक्शन ना हंसते हंसते पास कर लिए, आपका पढ़ाया हुआ जो पढ़ाए ना उतना ही पढ़कर एग्जाम में गए, मैथ में दिक्कत नहीं हुआ। अगर इतने चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हैं और ये समझ में आएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये आप नोट कर लो, ये मैं पूरा आपको करवा दूंगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, पूरा बेसिक कंसेप्ट सब कुछ। तो मैथ को लेकर आपको टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैथ में मुझे तीर नहीं मारना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे, मैथ हो जाएगा भैया। ठीक है, रीजनिंग भी, रीजनिंग तो बाबू घर का खेती है, जो पढ़ते आए हैं, जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा,
तो रीजनिंग के लिए भी आपको हम रीजनिंग के लिए किसी को दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी रीजनिंग के लिए भी कल से ना रात को 10 बजे एक क्लास करवा देंगे 30 मार्च तक। तो आपको 30 मार्च तक ना आपको ज्यादा नहीं सोचना है रीजनिंग मैथ के लिए, सिर्फ क्लास अटेंड कर लेना है, शाम को 6 बजे वाला मैथ और सुबह रात को 10 बजे वाला रीजनिंग, इतना ही क्लास कर कर जाएंगे रीजनिंग मैथ क्वालिफाई हो गया। ठीक, अब आता है रिजल्ट किस पर बनेगा, जीके और इंग्लिश। बाबू इंग्लिश के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, इंग्लिश में कैसे क्या करना है। जीके को देखो, जीके में सब बराबर है, हम आप सब कोई बराबर है। जीके में क्या करना है, जीके में ना 3 फरवरी कल 3 तारीख है, दोपहर में 3 बजे मेरे साथ जुड़े रहिएगा 30 मार्च तक। जितना भी क्लास करवाएंगे, हर क्लास टॉप क्लास, जो क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में फंसे, तो 30 मार्च तक भले आपको आधा घंटा क्यों ना पढ़ाओ, आधा घंटा ही पढ़ाएंगे 30 मार्च तक, लेकिन 30 मार्च तक जो टॉपिक करवाएंगे ना एकदम गिना चुना, जो एग्जाम में क्वेश्चन एकदम फंस जाए, ठीक है, उतना ही लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्लस इसके अलावा आप ना मेहनत करो, स्टैटिक जीके का जितना टॉपिक आपको दिए हैं वो टॉपिक को रात दिन एक कर कर पढ़ो, जो भी टॉपिक उठाओ ऐसे पढ़ो कि टॉपिक पढ़े हैं क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। एग्जाम्पल के तौर बताते हैं, मान लीजिए आप सभी को नृत्य पढ़ना है, नृत्य से क्वेश्चन आता है ना, डांस से, तो डांस से क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, मेहनत करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको जितना मेहनत जितना समय दे सकते हैं, क्योंकि अमीर हो गरीब हो लंगड़ा हो लूला हो अच्छा हो बुरा हो, भगवान सबको एक चीज बराबर दिए, समय, समय सबके साथ पास बराबर है। अब वो समय में कौन कितना अपनी नहीं देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब बोलोगे भाई नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, मैथ कर ही नहीं पाओगे, एसएससी आपको मजबूत बच्चों के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया है, फिर भी रो रहे हैं, तो बाबू आप कभी भी रोइएगा। अब मान लो आपको नृत्य पढ़ना है, एक टॉपिक, मैं सब टॉपिक दिखाऊंगा, नृत्य कैसे पढ़ना है। मान लो आपको हर राज्य के बारे में 5, 6, 10 हर राज्य में है, तो आपको हर राज्य का नृत्य पढ़ लेना है, कौन कौन सा नृत्य है। मान लो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में 5-6 नृत्य बार बार एग्जाम पूछता है, जैसे रॉप हो गया, हिक्कत हो गया, मंडाज हो गया, कुर डांडी नच हो गया, दमली हो गया, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, हर टॉपिक आपको नोट्स दिए हैं, और जितने भी टॉपिक आपको दिखाऊंगा ना बाबू, जितना भी टॉपिक, ये हर टॉपिक आपको मैं दूंगा, हर टॉपिक मैं आपको दूंगा, हर टॉपिक। मान लीजिए ये पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम और करना है, वो काम ये है कि ना 18 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन नृत्य से पूछे, नृत्य से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ ये नहीं पूछता है कि कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है नृत्य, आपसे भी पूछेगा एग्जाम में कि ना जो वो व्यक्ति था वो किस नृत्य से जुड़ा हुआ है, वो किस डांस से जुड़ा हुआ है, वो किस कला की नृत्य जो है वो डांसर है, ये सब पूछेगा। तो 18 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये एक बार आप एमसीक्यू है आराम से पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिए, ऐसे हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, हर टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक है सिर्फ नोट करते चलो, आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप सबको दूंगा, आप ये टॉपिक नोट कर लो, रात दिन एक कर कर 15 दिन 20 दिन 25 दिन में पढ़ लो पूरे, ना क्या बोलूं, जान लगाकर एक एक टॉपिक को बनाए हैं बाबू। जैसे मान लो अनुच्छेद जो बनाए हैं ना, इतना मस्त बनाए हैं, आप बोलेंगे ना भैया पूरा पीडीएफ अगर पढ़ लिया जाए ना तो 95% क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनता है, यहीं से फंस जाएगा। अब जितना भी संशोधन हुआ है, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, नदी शहर, ये सब टॉपिक आप देख लो, सुचार, मुख्यमंत्री, ये जितने भी टॉपिक है, आप कहीं पर भी कॉपी पेन निकालकर नोट बनाओ बाबू, नोट्स बनाओ, ये टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, अगर आपको मजबूत बच्चों को टक्कर देना है तो, ठीक है। उसके बाद ये और टॉपिक है, कौन किसकी नियुक्ति करवाता है, महत्वपूर्ण आयोग, राष्ट्रीय उद्यान, एक टॉपिक बहुत लोग छोड़ देता है, पता है क्या, वो टॉपिक छोड़ देता है भारत में जनजातियां, ये पढ़ना है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, स्टैटिक जीके में हर टॉपिक डाले, 75% क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण झील बंदरगाह, महत्वपूर्ण लड़ाई इतिहास का, किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता, 18 से 22 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, उसके अलावा सीमा को लेकर, गवर्नर जनरल कौन कौन, बाघ, हवाई अड्डा, कृषि के क्षेत्र में क्रांति क्या हुआ कैसे हुआ, सब महत्वपूर्ण नृत्य, महत्वपूर्ण नृत्य अभ्यास,
पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अलावा ये पढ़ना है, रोएंगे तो नहीं होगा। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश, त्योहार इंपॉर्टेंट, पर्वत श्रृंखला और दर्रे, उसके बाद आगामी खेल, संयुक्त राष्ट्र को लेकर अलग नोट, लैंग्वेज संबंधित क्वेश्चन आजकल टीसीएस बहुत पूछ रहा है, तो इसका प्रॉपर नोट दे दिए हैं। जीडीपी, संगठन, नोबेल प्राइज, विंड गेम, फिल्म फेयर, बुक्स, ये सब टॉपिक। और साइंस से अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़े हैं प्रीवियस एग्जाम के लिए काफी है। अगर साइंस के लिए कुछ आपको ज्यादा पढ़ना है, अधिक एक्स्ट्रा में, इंपॉर्टेंट में, तो ये पांच टॉपिक पढ़ लेना। केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, ये दिए हैं, आविष्कार, पीएच मान, विटामिन और माप, ये पढ़ लेना। जैसे आपको दिखा रहे हैं वो कैसे पढ़ना है आपको, मान लो आप सभी को कहां गया ये वाला, मान लो आपको पढ़ना है क्या, केमिकल फॉर्मूला। तो आज तक जितने भी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पूछा है ये सब दे दिए, नाम, कॉमन नेम, उसका फॉर्मूला, ठीक है। प्लस इसके अलावा 18 से 22 के बीच में इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछा, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो जीके में लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालने का सपना आप देख रहे हैं तो, ठीक है। साथ ही में करेंट अफेयर, तो बाबू ये हम लोगों का घर का खेती, आपको पता है सुबह 8 बजे क्लास करवाते हैं, तो करेंट अफेयर को लेकर हम तो टेंशन लेते ही नहीं है, आपको भी बोलते हैं टेंशन मत लो, करेंट अफेयर सुबह 10 मिनट करवाते हैं, उतनी देर ही पढ़ना है। करेंट अफेयर बाबू घर का खेती है, क्लास ही में सब क्वेश्चन याद करवा देते हैं, तो करेंट अफेयर को लेकर टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा स्टैटिक जीके आपको रात दिन रो धो कुछ भी करो कंप्लीट करना, ये सारा टॉपिक अच्छे से ढंग से जैसे बनाए हैं पीडीएफ उसी तरह, ठीक है। प्लस 3 बजे वाला क्लास देखना बाबू, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जीके में इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बताए ना, मैथ रीजनिंग में ज्यादा बोझ नहीं लेना है, वो कैसे निकालना मैंने आपको बताया, जीके में क्या करना है मैंने आपको बताया। 3 बजे वाला क्लास 30 मार्च तक हर टॉपिक जान डालेंगे, प्लस ये टॉपिक कंप्लीट करना ये करवा ही दे रहे हैं आप सभी को। इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो बना कर देंगे, इंग्लिश कैसे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और एक बात, ये जो पीडीएफ है ना जीके का, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 साल का पूरा करेंट अफेयर, 3500 बेहतरीन क्वेश्चन लास्ट 5 साल में सबसे रिपीट जो क्वेश्चन हुआ वो वाला, प्लस 50 से अधिक स्टैटिक जीके हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड भी करवा सकते हैं। ये सब कुछ मेरे मेहनत का 121 में आपको मिल जाएगा, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर लेना, कहते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका हर डाउट ना पानी के तरह क्लियर हो जाएगा। देख लो ये वीडियो आप सभी। सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा शानदार। इसको आप, इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है, ठीक है। मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक, आप जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोले, ठीक है, आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर यह भी डाल दिया गया है, ठीक है। और भी पीडीएफ, जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, कैसे, ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में
3500 लगभग क्वेश्चन है, ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है हर क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर किए हैं।